नमस्ते, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज का सेकंड डे है, रात को बिल्कुल नींद नहीं आई, सुबह 5 बजे सोया और 11 बजे उठा हूँ। निकलना है घूमने फिरना है और आज देखते कहाँ जा रहे हैं। मैं एक्चुअली DSLR पैक करके लेकर जा रहा हूँ अपने साथ और एक दो जगह की फ़ोटो खींचूँगा, फिर खाने पीने जाऊँगा। कल नहीं हो पाया, आज करते हैं, कोशिश करता हूँ कि अच्छी जगह जा सकूँ आज, और जैसा भी हो सकेगा दिखाएंगे आपको कितना अच्छी जगह है ये गुजरात। और खाने पीने जाते हैं, बस बाहर की देखते हैं। खाने भी मैंने रात को लिया था, बिल्कुल अच्छा नहीं था एज आई टोल्ड यू। सो चलो देखते फिर बाकी। तो मैं अब आ चुका हूँ यहाँ पर, ये फतेहगंज में है सेवन सीज। ये काफी सुना सुनाया मॉल है, कह रहे काफी अच्छा है, बड़ा भी है काफ़ी। बिग बाज़ार यहाँ पर अभी बंद है, काम चल रहा है, बट अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे सुनने में आया काफ़ी कुछ खाने पीने का है और काफ़ी अच्छा है, कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं, तो अब वो ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ यहाँ सेवन सीज के अंदर 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे काफ़ी पीने खाने पीने की जगह है। यहाँ पर आप बैठने की स्पेस देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और ये मैकडोनल्ड्स है। सो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे शॉप्स बने हैं जहाँ पे खाने का सारा मिलता है। यहाँ पर आप टेबल पर बैठो, काफ़ी क्लीन और काफ़ी यार खुशबूदार कैफ़े यहाँ पर सारे। मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर कोनीज़ा जस्ट बिकॉज इट्स पिज़्ज़ा इन कोन। यहाँ पर कॉम्बो है, यहाँ पर मैंने अभी मंगाया है, यहाँ पे गार्लिक ब्रेड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोन पिज़्ज़ा, लाइक इसमें काफ़ी कुछ है, लाइक कोन में काफ़ी स्टफिंग्स है, काफ़ी चीज़ें मैंने सुनने में मिला है, और यहीं साथ ही साथ आइसक्रीम रोल्स भी है, सब कुछ है यहीं पर। सो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ और फिर देखते हैं कहाँ पर और क्या खाते हैं और चलते हैं। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, ये है हमारी गार्लिक ब्रेड और ये कोक, और हमारी ये है पिज़्ज़ा कोन। जी हाँ, ये पिज़्ज़ा कोन है एंड ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है, देखते खा के कैसा लगता है। आई मस्ट से दिस इज नॉट बैड यार, काफ़ी अच्छा है। बस ये थोड़े इसका जो क्रस्ट है वो काफ़ी क्रंची है, थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। स्टफिंग सारी जैसे पिज़्ज़ा होते हैं नॉर्मल, जैसे पिज़्ज़ा सैंडविच, पिज़्ज़ा यू नो व्हाट आई मीन, सो वैसा टेस्ट कर रहा है, बट ये काफ़ी अच्छा है, लाइक चीज़ी है, गर्म है, काफ़ी अच्छा है। और बाकी गार्लिक ब्रेड खा के देखते हैं। नमक थोड़ा कम है बट वो गुजरात में हर चीज़ में है, सो नो बिग डील। बाकी अच्छा है, थोड़ी और चीज़ होती तो बेटर रहता, कुछ जगहों पे प्लेसेस पे जैसे कि नहीं है, कुछ स्पॉट छूट गया जिन पे चीज़ होनी चाहिए थी मेल्ट नहीं थी, बट काफ़ी अच्छा है, वैल्यू ऑफ मनी है। ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट पड़ी है मेरे को 159 एंड उसमें एक पिज़्ज़ा कोन, एक ये सब और कोल्ड ड्रिंक मिल गई, काफ़ी अच्छा है यार, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, नॉर्मल अपने फैमिली के साथ कभी आए हुए हैं कहीं काम से ही आए हो आसपास तो खा सकते हो। सो गाइस, अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम रोल एंड ये काफ़ी चॉकलेटी है, ये मिक्स चॉकलेट है जिसके अंदर डेरी मिल्क है, चॉको चिप्स हैं, ओरियो है, बेल्जियम चॉकलेट है, काफ़ी कुछ है। सो अब इसको ट्राई करते हैं, काफ़ी ऑसम लग रहा है, ये काफ़ी च्यूई है एंड काफ़ी कुछ मतलब अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स है काफ़ी सारी इसमें, एंड मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये लो क्वालिटी लग रही है यहाँ पर कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, काफ़ी चॉकलेटी है।
भाई ऑसम है, वैली ऑफ मनी है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली ओवर कॉस्टली नहीं है, क्योंकि मुझे लगा गुजरात में काफ़ी कुछ कॉस्टली मिल रहा है, बट एट दिस मोमेंट इस पॉइंट पे ये जगह पे ये सब टोटल वैल्यू ऑफ मनी है। सो आइए खाइए और मज़े किए, मज़े करिए, हाँ कराइए भी हम जैसों को। सो गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पे करेली बाग, और यहाँ पर है राजू ऑमलेट वाला, ये जस्ट पीछे है, इसका लोगो नहीं दिख रहा, वैसे अब दिख गया होगा, हाँ, और इस साइड में है इधर टियोलॉजी, यस यार मेरा खुल्लड़ उसकी टैग लाइन है। सो चाय का पता नहीं मैं वहाँ पर जाऊँगी नहीं, लेकिन राजू ऑमलेट पे अब जा रहे हैं और हम देखते हैं वहाँ पर क्या नॉनवेज मिलता है, और यहाँ काफ़ी फेमस है ये, अब इसको ट्राई करने की बारी है हमारी। चलिए और ये क्या बन रहा है? कौन सी बॉइल्ड टिक्का? बॉइल्ड टिक्का। सो गाइज मैं वहाँ से निकल चुका हूँ राजू ऑमलेट से, ऑमलेट वाली जगह से, और साथ में ही है यहाँ टियोलॉजी, सो आप वहाँ पे भी जाना, और बीच में ये अमर पान वाला है, काफ़ी वैरायटीज़ है पान में, मैं आपको पोस्ट डालूंगा इसके, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इतनी, एंड काफ़ी मतलब एक जगह पर आओ और आपको तीन अमेजिंग प्लेसेस मिलेंगे। सो अब तो मैं निकल रहा हूँ अपने होटल की तरफ, आज के खाने का इतना ही बहुत है, और अब चलते हैं होटल रूम में। ये फील द रॉक कॉन्सर्ट है, लिफ्ट का म्यूजिक है मेरा नहीं है। सो सामान लेकर आ गए हैं गाइस, रूम में जा रहे हैं, और चलो रूम में चलते हैं, हमारा 6th फ्लोर आ गया। 6th फ्लोर, हाँ हमें तो जल्द पता ही नहीं, चलते हैं चलते हैं चलते, एक हाथ से कर रहे हैं भाई काम, लोनली लोगों का यही होता है हिसाब किताब। ये भी कर दे भाई, शुक्रिया। अब मैं अपना रूम भूल गया, नहीं पीछे। चलो गाइस फिर आज का व्लॉग तो इतना ही हो गया, अपने रूम में चलते हैं, रेस्ट करेंगे, और अपने मैंने ये जो पैक करा, अगर भूख लगी रात को तो ये सब खा पी लेंगे और चिल मारेंगे, अपना रूम फिर निकल गया ये वाला। ओके बाय गाइस।